मैं बहुत अच्छा अभी ना मामा चाहता हूँ। मैं रुस्तम ईरानी हूं और मैं इस फील्ड में पिछले 30 सालों से हूं। मैंने थिएटर किया है, फिल्में भी की है और साथ साथ मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देता हूं। एक्टिंग की ट्रेनिंग मैं पिछले 10 सालों से दे रहा हूं। उसमें थिएटर में कैसे हम लोग एक्ट करते हैं, फिल्मों में कैसे एक्ट करते हैं, कैमरा को फेस कैसे करते हैं, ये सब मैं अपने एक्टर्स को, जो अपने स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ और साथ साथ उनको लेकर मैं ड्रामा भी करता हूँ, उन मेरा ड्रामा में काम देता हूँ। मैंने डायरेक्शन किया है, स्क्रिप्टिंग किया है, एक्टिंग भी करता हूँ। सो ये सब जो है अपना अनुभव को जो है मैं बच्चों तक पहुँचाता हूँ। एक स्टूडेंट के लिए बेसिक थिंग पहले ये है कि मैं एक्टिंग कहाँ से सीखूँ, कहाँ से शुरू करूँ, और थिएटर जो है वो एक्टिंग का बेस माना जाता है, जहां से आपको बेसिक चीजें सीखने को मिलती है। सो थिएटर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी स्टूडेंट। दूसरा है कि ठीक है, मैंने एक्टिंग सीख ली है, अब मैं अपने एक्टिंग का टैलेंट जो है वो कहां दिखाऊं, किसको दिखाऊं, कैसे यूज करूं, तो वो जानना जरूरी है। और अरे पर बहुत एक फनी है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमको एक्टिंग आती है, हमको जो है वो फिल्मों में काम दे दीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने उनसे पूछता हूं कि भाई आपने कहां सीखा है, तो बोलते नहीं। मैंने कहा कहीं काम किया है, तो स्कूल में किया था, कॉलेज में किया था, ऐसे जवाब मिलते हैं। तो फिर मैं उनसे बेसिक मेरा क्वेश्चन उनसे होता है कि भैया ठीक है, अच्छा आपको स्टेज पर स्पेस यूज करना आता है, और उनको पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या होता है। मूवमेंट करना आता है, पोजिशनिंग करना आता है आपको स्टेज पर। अच्छा एक कैमरा आपके सामने रख दिया जाए तो आप कैमरा के सामने कैसे एक्टिंग करेंगे, कैमरा की तरफ देखेंगे, कहीं और देखेंगे, तो उनको नहीं मालूम है। तो ये जो बारीक बारीक टेक्निकल पॉइंट्स है, स्टेज की हो या कैमरा की हो, ये कहीं से सीखना जरूरी है। और ये जो है ये बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर जाते हैं, उनको लगता है कि हम सीधा एक्टर बन सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स, फर्स्ट लर्न द बेसिक थिंग्स एंड देन यू कैन गो अहेड। जानने के लिए कि उसमें आप में कोई वो हुनर या टैलेंट है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा आप अकेले तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसके लिए आप कोई थिएटर ग्रुप है, ड्रामा ग्रुप है, वो ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए, उनके साथ रिहर्सल्स कीजिए, कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, एक्टिंग क्लास। वहां पे आपको जो आपका ट्रेनर है, जैसे मैं भी बहुत सारी चीजें कराता हूँ, वॉइस एक्सरसाइजेस कराता हूँ मैं यहाँ पर, मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो वो उनको खुद समझ में आता है हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उनको इम्प्रोवाइजेशन देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, थीम देते हैं कि अभी इस पे काम करो, और उनको गाइड करते हैं, एक एक स्टेप उनको गाइड करना पड़ता है, और फिर उनको पता चलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं। सो अगर आपको टैलेंट अपना देखना है तो प्रैक्टिस करो, गो समवेयर, परफॉर्म, तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आप में वो टैलेंट है या नहीं है। सी बात है कि मुझे, जैसे मैंने कहा, 30 साल का अनुभव है, तो इतना अनुभव जो है मेरे पास है वो मैं उनको पास ऑन करता हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विच आई गिव देम। सेकेंडली मैं जो हूं हिंदी का शिक्षक हूं, और हमारे पास जो है महाराष्ट्र में ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स जिनको हिंदी बोल तो लेते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, वो उच्चार जो है वो महाराष्ट्रियन स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बोलते हैं फिर, इट इज नॉट फिर, इट इज फिर, फूल बोलते हैं। मैं तो मजाक करता हूँ, ये तो अंग्रेजी का फूल हो गया, ये फूल होता है। इफ यू वांट टू से फ्लावर, गुलाब का फूल, तो फूल बोलो, नॉट फूल। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, जिनसे उनको टीवी सीरियल्स है, फिल्में हैं हिंदी की, वो उनको वहां पर मिलने का चांस होता है। अच्छा दूसरी एक बात यह है कि मैं इंडिविजुअल क्लासेस भी लेता, मतलब
अगर एक बंदा आया जो थोड़ा सा शाय है, हो सकता है, तो वो he wants to do something, उसमें टैलेंट है, तो मैं उसको इंडिविजुअल लेता हूं एंड आई ग्रो हिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज स्किल. एंड अदरवाइज ऑल्सो माई स्पेशलिटी इज आई डोंट टेक मोर देन 8 to 10 स्टूडेंट्स. मैं ज्यादा भीड़ नहीं करना चाहता क्योंकि भाई हर एक को गाइड करना पड़ता है, उतना समय देना पड़ता है, उसकी क्या कमियां है उसको दूर करना है, उसकी क्या ताकत है उसको और बढ़ावा देना है. क्या ओके ठीक है, तुम्हारी आवाज स्ट्रांग है उसको डेवलप करो, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है सो देन आई हेल्प कि हाउ डू वी मैच द वॉइस एंड द बॉडी लैंग्वेज, दोनों को कैसे संगम करना है, तो ही अच्छा एक परफॉर्मेंस हो सकता है. तो ये मेरी स्पेशलिटी है वैसा मैं समझता हूं. फिल्मों में भी या खास करके टीवी सीरियल में भी हमने भी अनुभव किया है कि वो चाहते हैं कि कोई थिएटर का बंदा आए. क्यों आए? क्योंकि उसको ऑडियंस ज्ञान है, वो जानता है, पोजिशनिंग जानता है, बॉडी लैंग्वेज जानता है, वॉइस थ्रो जानता है, और ये सब जो है कैमरा के लिए भी चाहिए. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अच्छा, अब ये सब आप कहां से सीखेंगे? थ्रू अ क्लास, थ्रू एक्टिंग क्लास. अपने आप को कोई सीख नहीं सकते, यू नीड अ टीचर to guide you. So acting class and through that doing theater, doing dramas is the first step for any actor to proceed in his career. Youngsters के लिए मेरे advice suggestion ये है कि अगर आप theater कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जो audience आपको देखने के लिए आ रही है वो आपका बुरा नहीं चाहती. They are coming there to appreciate your act. तो उनको देख के नर्वस तो होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तालियां बजाने आए हैं, तो आपने वहां जाना है, अपना काम करना और तालियों की गड़गड़ाहट सुननी है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो टीवी सीरियल्स या फिल्म जो है वो कैमरा एक्टिंग जो कहते हैं. कुछ यंगस्टर जो है वो कैमरा को देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं. एक्टिंग आती है, थिएटर में काफी कमाल कर चुके हैं, लेकिन कैमरा को देख के वो डर जाते हैं. उनके लिए मेरा एक एडवाइस है कि भाई कैमरा से डरने की जरूरत क्या है, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है. हाँ, नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है. वो आपके चेहरे को, चेहरे की हर जो इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, वो देख रहा है और वो कैप्चर करता है, भले आप उसकी तरफ देखें या ना देखें. तो उसके से डरने की जरूरत ही नहीं. हाँ, थिएटर वाले जो बंदे होते हैं वो थोड़ा सा लाउड एक्टिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, वो नेचुरल है क्योंकि थिएटर में उसकी जरूरत है, बट कैमरा में नहीं. कैमरा में यू हैव बी वेरी नेचुरल बिकॉज कैमरा जो है आपकी हर छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है. और मैं अपने स्टूडेंट्स को वही बोलता हूं कि अगर आप कर रहे हैं सो बी एब्सोल्युटली नॉर्मल. अगर आप कुछ नहीं करेंगे दैट इज बेस्ट. यानी आपको अपने खुशी दिखानी तो ऐसे करके खुशी दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्माइल एंड दैट्स इट. एंड द कैमरा नोस एंड द पीपल लुकिंग थ्रू द कैमरा नो दैट यू आर हैप्पी. सो ये मेरे यंगस्टर्स के लिए जो है कि थ्रू फॉर कैमरा less is more. देखो, मैं अपने पूरे अनुभव से जो है आपको सिखाऊंगा, आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, आपको तैयार करूंगा. उसके बाद आपको काम मिलता है या नहीं मिलता है ये आप पर निर्भर है, ठीक है? अच्छा, ऐसे बहुत कोऑर्डिनेटर्स हैं जिससे मुझे भी काम मिला है, जिनको मैंने काम किया है. पहले एक दो कोऑर्डिनेटर से मिलना पड़ता है, वो काम दिलाते हैं और फिर उसके बाद पहचान होने के बाद काम ऑटोमेटिक मिलते रहता है. यंगस्टर्स के लिए खुशखबरी है कि जो हमारे समय में नहीं था ये अब उनके लिए प्लेटफॉर्म है, और वो है एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के कारण. और क्विक ऑडिशन ये जो नाम है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, हमारे अच्छे दोस्त हैं पराग जी, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ. और ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंडिया से नहीं है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है. क्योंकि उनका जो है उनके बारे में बीबीसी पर भी इंटरव्यू आ गया है, पूरे वर्ल्ड में वो उनके बारे में जानते हैं. और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑडिशन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को आप तक पहुंचा सकते हैं और आपको उनके द्वार तक पहुंचा सकते हैं. ये जो है उनके साथ मैं जुड़ा हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारा एसोसिएशन है. और वहां पर मैं आपको जो है उनके थ्रू मैं गारंटी दिला सकता हूं कि आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके टैलेंट के हिसाब से काम जरूर मिलेगा. मतलब आपको जो है फिल्मों में और टीवी सीरियल में ब्रेक नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, यस आई अंडरस्टैंड. लेकिन अभी जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स है या जो टीवी सीरियल्स है
उसके अलावा भी स्कोप है, ये यंगस्टर्स जो है वो नहीं जानते, एंड दैट इज शॉर्ट फिल्म्स। आप शॉर्ट फिल्म बनाइए या किसी जो शॉर्ट फिल्म बना रहा है आप उसके पास जाइए, वो आपको काम देगा, ठीक है। अच्छा, दीज फिल्म्स ये जो है ना वो फिल्म फेस्टिवल्स में जो है वो पुट अप होती है, और वहां पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स जो आते हैं, बिकॉज दे नो के ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में उनको कोई अच्छा थीम मिल जाता है, कोई आइडिया मिल जाती है फिल्म बनाने के लिए, वहां से उनको अच्छे अच्छे एक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो डूइंग शॉर्ट फिल्म्स इज द नेक्स्ट रूट, और इनफैक्ट आई विल से द फर्स्ट रूट। फिल्म बगैर तो बाद में है, आप शॉर्ट फिल्म कीजिए और वहां से जब देखिए कि आपका सितारा बुलंद हो सकता है, यू विल बी अर्निंग अकोलेड्स, यानी आपको जो है वो शाबाशी मिलेगी फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा। सो दैट इज वन प्लेटफॉर्म, एंड यू डोंट नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि फिल्म नहीं मिल रही है। शॉर्ट फिल्म्स करो, वहां पे अपना टैलेंट दिखाओ, और जरूर अगर आपके पास टैलेंट है तो जरूर एक ना एक दिन आपको बड़ी फिल्म भी मिल जाएगी।